नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग की परीक्षा है, तो उसके लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी। तो दोस्तों, उसके अंदर अपने 20 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 21वां नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो, पुष्कर, पुष्कर में है रंगनाथ जी का मंदिर, गुजरात में है सोमनाथ जी का मंदिर, और अलवर के अंदर है अपने पांडुपोल हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो याद रखना, सूर्य मंदिर कोणार्क में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। सेकेंड नंबर प्रश्न है, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कहां पर है, डूंगरपुर में। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन नंबर प्रश्न है, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहां मुगल बादशाह आया था? तो दोस्तों, किस पीर के यहां मुगल बादशाह आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के यहाँ, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, बेमेल युग में जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में है, माई बजाज सागर बांध है ये बांसवाड़ा में है, अफीम की खेती के लिए अग्रणी जिला है ये दोस्तों सीकर, ये गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़, ठीक है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला है वो चित्तौड़गढ़। सेवन घास युक्त विस्तृत मैदान है ये दोस्तों जैसलमेर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, पाँच नंबर प्रश्न है, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है, नसीराबाद अजमेर में। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिक्स नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, ये खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, अपने को क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट के अंदर दिया गया है कृषि विकास कार्यक्रम, और सूची सेकंड में उद्देश्य दिए गए हैं। तो इसमें देखो, राष्ट्रीय, ए नंबर का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, चावल गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ाना। बी नंबर का देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो दोस्तों, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कृषि में सार्वजनिक विनियोगों को बढ़ावा देना। और सी नंबर में देखो, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय कृषि को जलवायु योजना प्रत्याशी उत्पादन व्यवस्था करना। तो और देखो, डी नंबर में वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। तो दोस्तों, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो है लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में रखते हुए कृषि आय को बढ़ाने हेतु समन्वित कृषि को अपनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2341, 2341 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, 2341 बी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। आठ नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, इंदिरा गांधी नहर द्वारा नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज व्यास, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भील निवासी है। तो दोस्तों, भील निवासी है वो मध्य भारत के हैं, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दस नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसमें देखो, मसूरिया साड़ी कोटा की, ठीक है, प्रसिद्ध है ये दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। बादला पानी की बोतल है ये दोस्तों कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है, जिंक निर्मित बोतल है ये। और देखो, नमदा है, नमदा दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ हैं ये दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। 12 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो दोस्तों, किसकी हत्या की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, किसकी हत्या की गई थी,
कैप्टन मेक मोशन की, बी नंबर का दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो इसमें देखो चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है, तो ये की गई है दोस्तों किसके द्वारा, केसरी सिंह भारत के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है दोस्तों रणथंभौर। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3, 4 ये दोस्तों इस प्रश्न को छोड़ दो, ठीक है। 16 नंबर देखो इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसा दोस्तों किस दुर्ग के बारे में कहा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है, तो दोस्तों कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोडावन, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, तो वो कौन से जिले में, तो दोस्तों बांसवाड़ा में भी पाए जाते हैं, ठीक है, चित्तौड़, सिरोही, डूंगरपुर, इनमें सब में पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, तो शुष्क भी पाए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो धरती दोरारी व पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता है, तो वो है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है, तो कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है वो दोस्तों कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नांकित कथनों पर अपने को विचार करना है, तो देखो राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ घटती है, बिल्कुल सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों के तीनों इसमें सही है, चौथा है इसमें गलत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो दोस्तों जयपुर नहीं था, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, सरगासुली इसरलाट स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर है, ये जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से है, तो वो है क्षत्रिय से, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो देखो द्वारकाधीश का मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद के अंदर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है वो नाथद्वारा में है, मथुराधीश का मंदिर है ये दोस्तों कोटा के अंदर है, और गोविंद देव जी का मंदिर है ये जयपुर के अंदर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4, 2, 1, 3, ठीक है, 4, 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है ये रावण मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है करवा चौथ का व्रत है वो कब किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, तो ये अलवर में है, 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी। नेक्स्ट है, किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, तो ये दोस्तों कौन से जिलों में नहीं बोली जाती मेवाड़ी भाषा, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है देखो सिरोही जिले में है वो मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है गोडवाड़ी या सीहरवाटी या देवड़ावाटी या गुजराती भाषा का इसमें समावेश देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा, तो ये तो सबको पता होना चाहिए,
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराणा कुंभाने। नेक्स्ट है मोसर है, तो दोस्तों इसमें मोसर है, तो मोसर क्या है, तो मोसर है मृत्यु भोज की प्रथा है मोसर। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों किस जिले से, तो ये सिरोही जिले से संबंधित है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले किसने किए थे, तो पहले की बात करें तो पहले में सबसे पहले किए थे करौली ने, ठीक है, उसके बाद ने किए थे दोस्तों उसके बाद में कोटा ने, तीसरे नंबर पर किया था इसमें जोधपुर ने और चौथे नंबर पर उदयपुर ने, ठीक है। तो इनका कालानुक्रम बताना था अपने को, इसका सही कालानुक्रम तो दोस्तों इसका मैंने सही सुमेरित कर दिया है, तो CABD इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली, तो दोस्तों मांड में, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है इसमें देखो टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों किस जिले में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है इसमें देखो राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है, तो दोस्तों कौन सा है, वो लाखेरी बूंदी का। आगे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न में इसमें देखो लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर का स्थित है, तो दोस्तों कहां पर है, तो सीकर में है। नेक्स्ट राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर और चूरू, ए नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है इसमें देखो गाय की वैस नस्ल कौन सी है जो द्वीप प्रयोजनार्थ दूध एवं बैल के लिए पाली जाती है, तो दोस्तों वह कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों वह कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दूध और बैल दोनों के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कांकरेज होगा इसका राइट आंसर, डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो किस नदी का है अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा, सही उत्तर हो जाएगा इसका चंबल का, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न है इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान के पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है, सही क्रम बताना है अपने को अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद में धीरे 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 अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट, सी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, तो दोस्तों इसका संबंध है वो किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतापगढ़ से, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है इसमें देखो छोड़ दो इसको, ठीक है, 44 नंबर प्रश्न को ये देखो, 44 नंबर प्रश्न नया इसमें देखो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किससे संबंधित थे, वस्त्र उत्पादन से, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो दोस्तों कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राजा के लिए,
डी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो वह दोस्तों वह कौन थी, कौन किसकी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिमा बुद्ध की थी। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति का शब्द है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नानक का। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे, तो किस राजा से संबंधित थे, तो दोस्तों कृष्ण देवराय से संबंधित है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलबरूनी। नेक्स्ट है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका टोडरमल के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान का सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था, तो वह दोस्तों कौन था, कर्नल जेम्स टोड, सही उत्तर कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, तो दोस्तों किसने करवाई थी, तो महाराणा कुंभा ने, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो दोस्तों वे कौन थे, सही उत्तर हो जाएगा हरबिलास सारदा, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवताओं का गीत सबसे लंबा है, तो दोस्तों सबसे लंबा है ये किसका है, ये रामदेव, इसका लोक देवी देवताओं में दोस्तों सबसे लंबा गीत है वो जीर्ण माता का है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसे बनाया गया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कोटा महाराव को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है 1857 में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो दोस्तों ये प्रस्ताव है कहाँ पारित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है वर्धा में, बी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। 60 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो दोस्तों कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा बहराम जी मलबारी, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बाघ के लिए। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो वो कौन सी है, सही उत्तर हो जाएगा चीनी। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सी अरंडी, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हाल ही में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ, इनमें से किसी एक बैंक के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ICICI के साथ में। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई, तो दोस्तों ये कहाँ पर है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर जिले के बिनाय में, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट इसमें देखो 2003 की पशुगणना पूछ रहा हूँ दोस्तों। पशुगणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व का सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला था, तो दोस्तों कौन सा था यह याद रखना है। सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 144 एवं डूंगरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट 67 देखो, दामनकरण एवं अंजन है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है राजस्थान की घास की किस्में। नेक्स्ट 68 नंबर है, तो इसमें देखो राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं वह है, तो वह कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका नागौर, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 69 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से एक सही नहीं है, तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है इसके अंदर। तो देखो राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर ज़िले में है, तो दोस्तों इसमें यह गलत हो जाएगा, ठीक है। राजसमंद झील राजसमंद में ही है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो दोस्तों क्या है। सही उत्तर हो जाएगा कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये मेवा नगर है पार्श्व जैननाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, तो दोस्तों कब करवाया था, तो ये इसका निर्माण 1927 ईस्वी में करवाया था, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, तो दोस्तों ये ओनली राजस्थान में है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट निम्न में से एक कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन है वो एक सही नहीं है, तो इसमें देखो नई औद्योगिक एवं निवेश नीति राजस्थान 2010 जारी कर दी गई है, ठीक है, एवं इनमें अभिव्यक्ति की गई है कि क्या की गई है ये अपने को इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखो सार्वजनिक निजी साझेदारी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको ने एक जापानी कंपनी से निमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है, वह जापानी कंपनी है, तो दोस्तों वह जापानी कंपनी कौन सी है, जेट्रो, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक कार कंपनी को कार बनाने के लिए खुसखेड़ा भिवाड़ी में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, यह कंपनी है, तो दोस्तों यह कंपनी है ये होंडा सियोल है, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 14 NEL P ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 Navy नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम अन्वेक्षण से, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेते हैं, तो दोस्तों कौन लेते हैं, सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 को शुरू की गई थी, ठीक है, ये जो जानी जाती है, तो दोस्तों वो किस नाम से जानी जाती है, सही उत्तर हो जाएगा रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया के नाम से जाना जाता है घटित हुआ, तो दोस्तों ये कब घटित हुआ, तो 1899 से 1900 ईस्वी में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों अपने जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न, ठीक है, तो इसमें देखो निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है जॉन लॉक, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है,
बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है अधिगम के बौद्धिक आधार, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है सूज का सिद्धांत, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय निम्न में से क्या करना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है विषय वस्तु में समानता एवं भिन्नता पहचानने की आदत का विकास, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है, वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में अधिक होती है, इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है मूल प्रवृत्तियों का दमन, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में संप्रत्यय विकास की क्रियाएं दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है प्रत्यक्षीकरण, स्मृति एवं कल्पना, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संप्रण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों युंग, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के डब्बों के द्वारा परीक्षण का निर्माण निम्न में से किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोस्की ने, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 90 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है उत्क्रमण रचना का, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 91 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। 92 नंबर प्रश्न है, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 125 बुद्धि लब्धि इसकी, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखो व्यक्ति जितना बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से कौन सा प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों दैहिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 95 नंबर प्रश्न है, कक्षा में प्रेरणायुक्त वातावरण बनाने के लिए अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों की और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब अध्यापक बालक को स्वयं सजा न देकर प्रधानाध्यापक को सजा दिलवाए, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है? तो किस कारण कठिन है? तो दोस्तों निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 98 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अध्यापक इनके विकास में बालक की सहायता कर सकते हैं, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प आत्मसंपर्त्य के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प आत्मसंपर्त्य के संबंध में सही नहीं है? तो भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आत्मसंपर्त्य के विकास को प्रभावित करते हैं, ये दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना
आज 21 नंबर का मॉडल पेपर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।